वेल दोस्तों, जियो सिनेमा ओटीटी पर अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है लव मी इफ यू डेयर। वैसे तो यह फिल्म 25 मई 2024 को थिएटर में आई थी, लेकिन उस समय यह फिल्म जो हिंदी भाषा में अवेलेबल नहीं थी। अभी जियो वाले ने इस फिल्म को डबिंग करके अपने प्लेटफॉर्म पर लाया है। यह फिल्म भले ही कम बजट की है और इसमें कोई बहुत बड़ा स्टार कास्ट भी नहीं है, लेकिन यह फिल्म जो है आपको एक नया, फ्रेश, यूनिक, हटके कंटेंट दिखाने का वादा करती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसी प्रेम कहानी भी आपने कभी देखी होगी। अगर मैं इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो यहाँ पर तीन यूट्यूबर्स हैं, जिसमें एक लड़की है कंटेंट हेड और दो लोग हैं डेयर डेविल टाइप के, जो बहुत ही अलग तरह के कंटेंट को ढूंढते रहते हैं, कुछ अनसॉल्व मिस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, उन चीजों को वो रिवील करते हैं और अपने चैनल पर डालते हैं। फिर उन्हें एक दिन पता चलता है एक हाउस के बारे में, हॉन्टेड फ्लैट के बारे में, मतलब अपार्टमेंट है बहुत बड़ा, कि वहां पर जाने से कोई बचता नहीं है। वहां पर जो एक लड़की है जिसको कोई भी देखता है तो उसकी मौत हो जाती है, दोबारा उसे देख नहीं सकता, रात को रोती है, कपड़े से रोने की आवाज आती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है। फिर उसमें से एक जो यूट्यूबर है जिसका नाम इसमें अर्जुन होता है, वो चैलेंज लेता है और जाता है उस भूतनी को देखने के लिए। और यहाँ पर भाई साहब ये जिस तरह का कारनामा करते भूतनी को ही इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। तरह तरह के जो है कारनामे दिखाते हैं, शाहरुख खान और एक्टिंग करते हैं, कॉफी के लिए बुलाते हैं, ये वो करके मतलब उसे पाना चाहते हैं। और अंत में इसे पता चलता है कि मतलब वो जो लड़की है वो उसके तीन राज है, मतलब उस तरह की लड़की के तीन कहानियां हैं, तीन और भी लड़कियां मिसिंग हुई थी, ये लड़की कौन है जानना चाहते हैं, और इन्हें लगता है कि ये लड़की शायद जिंदा है। और इसी चीज को लेकर के रिसर्च आगे बढ़ती है तो बहुत सारी कथाएं आती है सामने निकल करके कि किस तरह से वो जो भूतनी है कई नाम को आइडेंटिटी को लेकर के यहाँ पर रह रही है, और उस भूतनी को भी इससे प्यार हो जाता है ये जान करके कि जो लड़का है ये आत्मा से प्यार करने वाला है, इससे उसे देखने से मतलब नहीं लेकिन ये प्यार के एहसास को समझता है। ऐसी तमाम तरह की बातें होती है। और दोस्तों, इस फिल्म का जो एंडिंग है वो बहुत ही शॉकिंग है, आपको मतलब सरप्राइज कर देगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो चीजें दिखाई गई है फिल्म में पूरा शुरू से लेकर अंत तक, जब उसका मतलब कि रिवील होता है क्या चीजें, क्योंकि वो यूट्यूबर रिसर्च कर रहा है तो उसे जो चीजें जानकारी की पता चलती है वो जानकर के आप भी हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसा भी कुछ होता है। ये अगले सीक्वल की ओर इशारा भी करता है एक क्वेश्चन के कारण। तो कुछ इस तरह से ये फिल्म जो है फ्रेश, यूनिक और हटके कंटेंट वाली फिल्म बन जाती है। अगर लव मी इफ यू डेयर फिल्म के कलाकारों की बात करें तो इसमें आशीष रेड्डी, वैष्णवी चैतन्य जैसे कलाकार है जिनका काम बहुत ही अच्छा है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है अरुण भीमावरप्पू। मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को देता हूँ 2.5 out of 5, और मेरी तरफ से यह फिल्म तभी आपको रिकमेंडेड है जब आप इस फिल्म को डेयर देखने की हिम्मत कर सके। अगर आपको दोस्तों लव मी इफ यू डेयर फिल्म का रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट, टॉपिक, रिव्यू या फिर अपडेट के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।